सो हे, आज हम ये वाले वाटर कलर से फिर से एक पेंटिंग करने वाले हैं। सो लेट्स डू इट। ये पेंटिंग जो है वो बहुत ही सिंपल सा होगा। तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल से एक हाफ बटरफ्लाई ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके साइड में मैं एक आई ड्रॉ कर रहा हूँ। आउटलाइन हो जाने के बाद मैं यहाँ पे फटाफट से कलर करना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्रिम्सन लेक कलर यूज किया है, उसके बाद रेड। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं भी वाटर कलर को सीख रहा हूँ, तो आप बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वाटर कलर को करने के लिए हमें लेयर बाय लेयर करना होता है, यानी कि मैं सबसे पहले अप्लाई करूंगा लाइट लेयर। लाइट लेयर्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पे डार्कर लेयर से शेड को अप्लाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल कलर एंड ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ और भी ज्यादा डार्कर शेड्स के लिए। आईज में भी मैं यहाँ पे डार्कर शेड्स के लिए रेड कलर का यूज करूंगा। फिर उसके बाद और भी ज्यादा डार्कर शेड्स के लिए यहाँ पे मैंने पर्पल एंड ब्राउन कलर का यूज किया है। यहाँ पे मैं लेयर बाय लेयर करते करते उसके बाद एंड में मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डार्कर शेड्स देने के लिए मैंने कहीं कहीं पे कलर्स के साथ ब्लैक कलर मिक्स किया है और कहीं कहीं पे डायरेक्टली ब्लैक कलर का ही यूज किया है। एंड में ब्लैक कलर से हम आई लैशेस बना देंगे। सो हमारा ड्राइंग कम्प्लीट हो चुका है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।